नमस्कार, यूवीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूवीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। जो देखा तो दिखाया। यूवीएन 08 ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। रतलाम जिला ब्यूरो, भैरूलाल मालवी की रिपोर्ट। शादी का झांसा देकर रुपए ऐंठने वाली दुल्हन सहित गैंग के 6 आरोपी गिरफ्तार। कालूखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम बछोड़िया मोहन लाल टांक पिता जीतमल टांक के द्वारा थाना आवेदन प्रस्तुत कर शिकायत पर उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय सुनील पाटीदार द्वारा SDOP जावरा रविंद्र बिलवाल के निर्देशन पर थाना प्रभारी कालूखेड़ा विजय सनस के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपियों की धरपकड़। टीम द्वारा दिनांक 6/2/2021 को आरोपी मंगल उर्फ मंगलेश पिता लक्ष्मी नारायण पाटीदार उम्र 30 साल निवासी ग्राम सेमलिया थाना कालूखेड़ा को गिरफ्तार किया गया। क्या कुछ मामला है, क्या रिपोर्ट करी थी आपने? ये इनने शादी करवा के 15 दिन मेरी लड़की और यहाँ से संडेगरी से गायब हो गए थे। और ये दलाल लोगों ने इनने ये जो मतलब कौन है दलाल लोग, क्या नाम है? राहुल से नाम है और मंगलेश है सेमलिया गांव के पाटीदार। इनने करी थी मतलब इनने करवाई थी शादी हमारे से। कहाँ पर करवाई थी? कोरट जावरा कोरट शादी में करवाई। आप इनके चक्कर में कैसे आ गए थे? ये मंगलेश जी मिले थे तो मंगलेश जी ने बोला था मतलब मैं जो आपकी शादी करवा दूंगा, तो एक दो बार परिचित हुआ था और एक आध बार गए भी थे हम साथ में देखने के लिए, तो वहाँ पे हमको नहीं जमा। तो दूसरी बार इन्हें वहीं सनावत में रहते थे ये मंगल जी, उनका ससुराल है वहाँ पे रामपुरा में। तो वहाँ पे इनने है जो मेरे को बुलाया, मैं बछुड़ा गांव से मेरी बाइक से गया और उनने बताया, लड़की दिखाई, उसके बाद लड़की ने हाँ कर दी, उसके बाद ये जो इनने जो शादी बोल दिया, इनने मेरे से वहाँ पे 1000 रुपये लिए थे और उनके बाद इनने मेरे से बैंक द्वारा मेरे से 5000 रुपये मंगवाए। मैंने इनको 5000 बैंक से ट्रांसफ़र करवा दिया और ये लड़की को लेकर आ गए यहाँ पे जावरा कोर्ट शादी करवाई। और जावरा कोर्ट शादी करने के बाद तो हम हमारे लड़की को शादी करवा के हम वहाँ पे लेके चले गए। पता कि इनने जावरा कोर्ट से ही 1,40,000 रुपये लिए थे इनने मेरे से। कितने दिन पहले घटना? ये 25 अगस्त की बात है। 1,40,000 रुपये का प्रमाण है आपके पास में दिए? हाँ है ना। कितने दिन तक के दुल्हन रही आपके साथ? 15 दिन। 15 दिन के बाद में फरार हो गई? 15 दिन के बाद फरार। क्या नाम था दुल्हन का? वर्षा। कहाँ की रहने वाली प्रॉपर? वो कीरगांव पोस्ट केसुन खंडवा जिला। ओके धन्यवाद। मैंने एक फरियादी आया है मोहन लाल टाक, उन्होंने बताया कि उनके साथ मंगल उर्फ मंगलेश पिता लक्ष्मी नारायण पाटीदार, इन्होंने एक शादी इनकी शादी करवाई थी और ग्राम सेमलिया कालूखेड़ा के रहने वाले हैं। और इनकी जो शादी के नाम पर सामने पक्ष ने करीब 1,46,000 रुपये भेज लिए। प्रथम दृष्टया मामला 400 BC का प्रतीत हुआ, जिस पर कि कायमी की गई थाना कालूखेड़ा में 16/21 और विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पता चला कि ये पूरे गेंग की तरह है, गेंग की तरह कार्य कर रहे थे। उसके जो सदस्य हैं इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी, उनको थाना श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और इसमें अधिक पुलिस अधीक्षक सुनील पाटीदार महोदय के मार्गदर्शन में एक टीम कालूखेड़ा थाने से गठित की गई, जिसका नेतृत्व थाना प्रभारी कालूखेड़ा ये सनस ने किया। और इन्होंने काफ़ी सराहनीय कार्य करते हुए जो आरोपी हैं इसमें जो 7 आरोपी हैं उसमें खरगोन से गिरफ्तार किया है। कहाँ कहाँ के आरोपी हैं सर, और कितने प्रकरण इन पर पहले से दर्ज हैं इस तरीके से? अभी इनका PR लिया गया है और इसमें आसपास के थानों से अभी पूछताछ कर वहाँ से जानकारी लेकर और इनसे पूछताछ करने के बाद ये क्लियर हुआ कि कितना इनका पहले भी कोई अगर किया होगा तो उसमें जानकारी दी जाएगी। कितनी राशि प्राप्त की है अभी आपने, रिकवरी कितनी राशि की? अभी इनका PR लिया, इसकी रिकवरी का प्रयास किया जाएगी पूरे हो सकते हैं, क्योंकि मामला करीब 6-7 महीने पुराना है तो इसमें संभावना है कि जो राशि है उन्होंने खर्च कर दी हो, लेकिन मैक्सिमम राशि हम लोग रिकवर करने का प्रयास करेंगे। कितनी महिलाएँ हैं इसमें सर? इसमें 3 महिलाएँ हैं जो अभी गिरफ्तार की जा चुकी है और इसके अलावा 1 महिला है जो अभी फरार है।